अच्छा स्टूडेंट, सब लोग ना अपने माइक साथ साथ म्यूट करते जाएं। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा बताएं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। मैं अभी देखती हूँ, आप भी ज़रा चेक करो, मैं भी चेक करती हूँ, मैं देख रही हूँ, चेक करती हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जानिका। ओके स्टूडेंट्स, आप सब लोगों के नेम जो हैं और रोल नंबर के साथ है ना, आप लोग की आईडी जो है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अगर कोई भी आप लोगों की क्लास का स्टूडेंट नहीं है आउट ऑफ कोई भी सपोज आपकी क्लास का ना स्टूडेंट नहीं है और इधर उधर से बाहर से आकर उसने ज्वाइन किया है, तो आई एम रिक्वेस्टेड के उसको ना अभी ये ना आपको मीटिंग जो है उसको लीव करना पड़ेगा। इस बाद में मैं अच्छी खासी इंसल्ट करके बाहर निकालूँ, इससे अच्छा है कि वो मीटिंग को ना अभी से छोड़ दें। ठीक है, ये सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर की अच्छा मीटिंग है। अच्छा स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपने अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक। अच्छा स्टूडेंट्स, इतना ना ये जो जूम पर आप लोग सब तंग हो रहे थे ना कि मैडम क्लास लेना चाह रही हैं, और आप कह रहे थे आप दूसरों को एग्जांपल दे रहे हो कि मैडम अच्छा ऐसे पढ़ा रही हैं, आप भी ऐसा पढ़ाएं, तो एक तो बात ये है कि ना हर एक टीचर का ना अपना वे है। उसको जैसे ठीक लग रहा होगा ना, बाकी टीचर्स को वो वैसे पढ़ा रहे होंगे, और मुझे जैसे ठीक लगा और मैंने आपको पढ़ाया। तो जहां तक रिकॉर्डिंग की बात ही ना, मुझे लग रहा था कि आप लोग शायद ना ऐसे जूम पर स्टूडेंट्स को बाउंड कर लेना, वो ना आ सकें, किसी के इंटरनेट का इशू हो, तो बड़ा मसला हो जाता है ना। तो इससे अच्छा है क्यों ना मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे वीडियोज जो है वो रिकॉर्ड कर करके रखूँ, ताकि जब भी आप लोगों के सिग्नल्स आए नेट के, तो आप लोग ना अपनी जो रिकॉर्डिंग जो मैंने की होगी वो आराम से आप सुन सको, समझ सको। क्योंकि पर्पज यही है कि आप लोगों को ना हमने लेक्चर देना है और उसको समझाना है, आप लोग अपना कन्वे करना है लेक्चर, ठीक है ना। तो अभी ये था कि आप लोगों से ना कुछ क्लास में स्टूडेंट हैं जो रेगुलर जो है वो लेक्चर देख रहे हैं और उनको समझ रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, लेकिन काफी ऐसे हैं जिन्होंने ना, मेरा नहीं ख्याल है कोई एक लेक्चर भी ओपन करके देखा होगा। अब जब जिस दिन का मैंने एक क्विज की बात की है ना, आई एम डेट श्योर कि उस दिन ही उन्होंने जाके ये पीपीटी वगैरह खोल के देखी होंगी, लेक्चर वगैरह, ये वीडियो के क्या चक्कर चल रहा है ना यहाँ पर। तो ये खास तौर पे ना आप सब लोग जो आज जूम पर मैंने कॉल किया है ना सबको, ये उन स्टूडेंट्स की वजह से हैं जो कि बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ताकि शायद मैं उनको थोड़ा सा ना पुश करने में कामयाब हो जाऊँ कि उन्हें ना पढ़ना है। ठीक है, अच्छा ये कौन है जूम पर, ये जो HTTPS और ये वो, ये कौन है बेटा? ये ना जो भी स्टूडेंट अगर किसी अपने नेम और आईडी के बगैर अगर एंटर होंगे ना, तो वो अलाउ नहीं है, ठीक है, उनको एंटर होना। और मुबशर इस्माइल बेटा, जिसके नाम के साथ रोल नंबर वगैरह नहीं होगा ना, वो यहाँ पर एंटर नहीं करेगा। और अगर यहाँ आप एंटर कर जाते हो और इधर से उधर काम खराब करने की कोशिश की, तो मैं आपकी स्टैट की टीचर नहीं हूँ, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, हम लोग ना स्टार्ट करते हैं। अभी ना एक्टिविटी ये है कि
मैं जस्ट देखना चाह रही हूँ कि ना आप लोगों ने जो हमारा ऑलमोस्ट ना एक मंथ हो गया है ऑनलाइन लेक्चर्स मुझे आपको देते हुए ना, अब मुझे चेक करना है, मुझे जानना है कि आप लोगों ने ना कुछ काम किया है, कुछ लेक्चर सुने हैं, आप लोगों को कुछ समझ आई है या नहीं आई. ठीक है, तो इसके लिए ना हम छोटी सी एक्टिविटी ये है कि मैं ना 1 से लेके जो 10th तक रोल नंबर्स होंगे ना, 1 से 10 तक जितने भी रोल नंबर्स हैं, ठीक है, उनको मैं क्वेश्चन असाइन करूंगी. जो रोल नंबर 1 है उसका सिंपल आंसर देगा 1 से 2 मिनट में, फिर नेक्स्ट रोल नंबर जो होगा उसका आंसर देगा 1 से 2 मिनट में, इस तरह से करके होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट मुझे बताना ना पड़े कि अच्छा 2 के बाद तीसरा रोल नंबर बोले, अगर तीसरा रोल नंबर नहीं है एबसेंट है तो फोर्थ वाला बोल पड़ेगा. इस तरह से करके एक्टिविटी चलेगी, कुछ इस तरह से ना ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए. अच्छा हसन खान ये कौन है जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है? और बेटा आप लोगों के साथ ना कुछ भी इस तरह से ना रोल नंबर नहीं लिखा हुआ, जिनके रोल नंबर नहीं है उनको मैं क्लास से बाहर कर दूंगी. और अच्छा ऊपर ना कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो क्लास में आने का पूछ रहे हैं. ठीक है, जेनिका इज ओके. तो सादिया अहमद ये आपकी क्लास की बच्ची है 813 813 सीआर? यस मैम क्लास की है. आपकी क्लास वाले ओके. मुबशिर इस्माइल मैम ये भी हमारी क्लास का है. तो इन्हें आप लोगों ने अपनी क्लास में टीचर्स ने आपको 1 महीना जूम में क्लासेस दी हैं और टीचर्स ने आपको इतना भी ऑफ कोर्स बताया होगा, आप लोगों ने सीखा नहीं होगा कि आप लोगों ने जब जूम पे क्लास लेने के लिए आना है अपने नाम के साथ आप लोगों का रोल नंबर होना चाहिए. यस मैम. सो लेट मी सी के टोटल आप लोग कितने हैं. ओके जस्ट 40 पार्टिसिपेंट. अच्छा प्लीज म्यूट योर माइक, प्लीज म्यूट योर माइक. जिसकी रोल नंबर की बारी होगी बस वो अपना माइक जो है उसको अनम्यूट करेगा. ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट. तो जो 1 से लेके 10 रोल नंबर हैं, अच्छा बेटा आप लोगों ने ना मुझे बताना है कि मैंने आपको यहाँ पर कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना बताया है. मैंने जितने भी लेक्चर आपको दिए हैं, 1 महीना होने वाला है आप लोगों को लेक्चर दिए, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ से आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो आपको मुझे बताना है कि रोल नंबर 1 से स्टार्ट करना है. अच्छा हमारा इज हियर रोल नंबर 1 इज हियर. तो आप लोगों को मुझे बताना है जो 1 से 10 तक के रोल नंबर है, मैंने आप लोगों को इस ड्यूरेशन में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करना बताए हैं. अच्छा आप लोगों में से कोई भी जो स्टूडेंट ये एक लिंक के साथ आ रहा है जूम में HTTPS के लिंक के साथ, वो क्लास में नहीं एंटर हो सकता अनटिल अनलेस वो अपना नेम और रोल नंबर नहीं लिखे. तो अगर कोई आपसे कॉन्टेक्ट करता है तो उसको बताएं ऐसे मैडम आपको क्लास में एंटर नहीं होने देंगी. चलिए रोल नंबर 1 स्टार्ट करें. रोल नंबर 1 अगर नहीं बोलती है तो सेकंड रोल नंबर. अगर सेकंड रोल नंबर भी एब्सेंट है तो थर्ड रोल नंबर. ओके अस्सलाम वालेकुम मैम, सेकंड रोल नंबर इज प्रेजेंट. ओके अच्छा बेटा ये जो मेरे क्वेश्चन बोला है ना 1 से 10 तक जो रोल नंबर है ना वो इसका आंसर देंगे सारे, और 5 में से आप लोगों की मार्किंग होगी इसकी. जी मैम. मैम आपने बोला है कि पेयर वाइज एंड मल्टीपल अलाइनमेंट में जो आपने टूल्स हमें बोले हैं उनका बताना है. मैंने टोटल आपको कहा है कि मैंने जितनी क्लासेस दी है ना उसमें टोटल मैंने आप लोगों को जो प्रैक्टिकल वर्क करवाया है ना वो बताएं, उसमें कौन से टूल या मैंने सॉफ्टवेयर वगैरह आपको यूज करने बताए हैं. सिर्फ किसी अलाइनमेंट के बारे में नहीं, जस्ट टूल्स वगैरह का बताएं जो मैंने आपको लिस्ट जो बताई हो, जो आपको पता हो, क्योंकि ये तभी पता होगा अगर आपने लेक्चर सुने होंगे तो. ओके मैम, आपने हमें फर्स्ट लेक्चर सेकंड और थर्ड लेक्चर में भी काफी सॉफ्टवेयर बताए थे जिनमें जेनपैंक और DDPHE और EMPL, और आपने मैम हम NCBI यूज करना बताया था. उसके अलावा मैम मल्टीपल अलाइनमेंट में भी आपने हमें सॉफ्टवेयर बताए थे जिसमें क्लस्टर WT कॉफी मार्क्टो क्लस्टर एक्स वगैरह आपने हमें बताए थे, मतलब इनको किस तरह से हमने डिफरेंट एल्गोरिदम में यूज करना है. और इसके अलावा मैम आपने हमें ब्लास्ट बताया था और किसी भी सॉफ्टवेयर को मतलब उसमें फॉर्मेट वगैरह यूज करने में हमने फास्टा फॉर्मेट यूज करना बताया था. और चलो ठीक है मैम आपने हमें बेटा वेरी मच थैंक यू वेरी मच बेटा. आगे नेक्स्ट रोल नंबर 3. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम बेटा. जी मैम रोल नंबर 3.
ओके बेटा, ये सेम क्वेश्चन का आंसर देना है, 1 से 10 के जो रोल नंबर है ना, यही क्वेश्चन होगा सबके लिए। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि पहले वाले का आंसर सुन के ना अपने आंसर को थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। जी मैम, हमने क्लस्टर डब्ल्यू टी कॉफी, मैफ क्लस्टर एफ वगैरह, ब्लास्ट, चलो ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। द नेक्स्ट वन, रोल नंबर 4, रोल नंबर 4 नहीं है तो बेटा रोल नंबर 5, 6, 7, 1 से 10 तक के जितने रोल नंबर है उनमें से कोई बोलना चाहे तो वो बोले। अच्छा बेशक अगर एब्सेंट है ना फिर मैं 11 से लेकर 12 वालों को नया क्वेश्चन बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, हमारा बोलो बेटा। मैम इसका आंसर में प्रोसाइट था, बी फॉर्म था, ब्लॉक्स और प्रिंट्स। अच्छा बेटा आप लोग ना शायद अभी भी नींद में हो, यहाँ सुबह के 12 से ज्यादा का टाइम हो गया है, तो मैंने आप लोगों से कहा था जो मैंने आपको यूज करने बताए हैं, जिनका मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाया है, ठीक है। मैंने तो जिनके नाम बताए हैं, नाम तो मैंने बहुत सारों के बताए हैं, ठीक है। जस्ट जो मैंने ब्लास्ट बताए हैं ना वो बताए। जी जी, ब्लास्ट, एनसीबीआई, यूनिपॉर्ट, पी फॉर्म, प्रिंट्स। चलो ठीक है हमारा बेटा, थैंक यू वेरी मच। द नेक्स्ट वन, अस्सलाम वालेकुम मैम। और जीनोम सीक्वेंस के लिए, और स्विस प्रोट और PIR हम प्रोटीन को सीक्वेंस देने के लिए यूज करते हैं, और प्रोटीन डेटा बैंक के लिए भी आपने बताया था जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हमने एनालाइज वगैरह करना होता है उसके लिए हम प्रोटीन डेटा बैंक यूज करते हैं, उसके थ्रू हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं या उसको और इम्प्रूव करते हैं। ओके, और जो मैम आपने चार्ट के लेक्चर में बताया वो आपने जेन बैंक का हमें यूज करना। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। द नेक्स्ट वन, 0, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम, रोल नंबर 8। ओके बेटा, मैम आपने ब्लास्ट का बताया था, फास्ट पी का बताया था और एनसीबीआई का बताया था आपने, और मैम एम्बोस वाटर, जैन बैंक, इन सब के बारे में आपने बताया था। अच्छा, जैन बैंक को बेटा आपने यूज करके देखा है, वहां से डेटा रिट्रीव करके देखा है आपने? मैम अभी किया तो नहीं है, मोबाइल का मसला बन गया था तो इसलिए वो आप करना। इसीलिए ना आप सब लोग ना यहाँ पर आज Zoom पे हैं। और अच्छा बेटा मैं हैरान हूँ कि आप लोगों के मोबाइल का ना मसला लेक्चर के लिए बनता है, स्टेटस आप लोग दिन में 10 बार लगा रहे हो, तब मोबाइल कहाँ है। चले नेक्स्ट वन, अगर 1 से 10 तक कोई रोल नंबर रहता है बताने वाला तो वो बोल सकता है। ओके बुशरा, आप अपना माइक म्यूट कर सकती हैं। ओके मैम। अच्छा जेनिका बेटा एक छोटा सा काम करो, ये ना क्लास में ग्रुप में बताओ कि ये जो ट्रूथ हर्ट्स और इस तरह के नाम के साथ स्टूडेंट्स हैं ये अलाउड नहीं है क्लास में, इन्होंने एंटर नहीं हो सकते, या जिन्होंने जस्ट अपना रोल नंबर लिखा हुआ है वो क्लास में एंटर नहीं हो सकते, जिनका HTTPS का कुछ लिंक है वो क्लास में एंटर नहीं हो सकते, ये आप ग्रुप में उनको मैसेज करो व्हाट्सएप पे, ठीक है। जी मैम, मैंने अभी किया भी है वैसे, मैं फिर कर देती हूँ। ओके okay. अच्छा स्टूडेंट्स इसका मतलब है 1 से 10 तक इतने ही रोल नंबर थे हमारे पास। ओके okay. आगे हैं 11 से लेकर 20 तक। अच्छा बेटा आप लोगों को बताना है 11 से 20 तक के रोल नंबर ने मुझे आंसर देना है। मैंने आप लोगों को बताया था NCBI के 2 डेटाबेसिस का, जैन बैंक का और रेफसिक का, सो आप मुझे इसमें डिफरेंस बताएं, क्या डिफरेंस है, ये दोनों NCBI के डेटाबेसिस हैं, NCBI को क्या जरूरत पड़ गई 2 डेटाबेसिस बनाकर रखने की, हालांकि उनमें ऑलमोस्ट सेम डेटा होता है। सो रोल नंबर 11, रोल नंबर 12, अस्सलाम वालेकुम मैम, रोल नंबर 11। ओके
मैम आपने जेन बैंक और टैप्सिक के बारे में हमें डिफरेंट बताया था कि जो जेन बैंक है ना वो INSDC में यूज होता है, इंटरनेशनल सीक्वेंस डाटा बेस कोलेबोरेशन में। जो भी डाटा हम जेन बैंक में पुट करवाते हैं ना वो डाटा इंटीग्रेट होता है ये तीनों डाटा बेसिस में, EMBL में, DDBJ में और जेन बैंक में। लेकिन जो रेफसिक में डाटा होता है ना वो इंटीग्रेट नहीं होता किसी के भी साथ, उसमें यूनिक डाटा होता है। और जो हमारे पास जेन बैंक है वो प्राइमरी डेटाबेस में आती है, लेकिन जो रेफसिक है वो सेकेंडरी डेटाबेस में आता है। ओके तो अच्छा बेटा आपका आंसर ठीक है। स्टूडेंट्स जस्ट दो मिनट में आ रही हूँ अभी, ठीक है वापस। लास्ट कोई मैम का क्वेश्चन रिपीट करेगा प्लीज। मैम ने पूछा है रेफसिक और जेन बैंक में डिफरेंस क्या है। मैम ने जेन बैंक और रेफसिक के बारे में डिफरेंस पूछा था हमसे। मैं कह रहा हूँ जो तुम्हारा आंसर तुमने बताया था, तुम अपना आंसर बता दो दोबारा। मैं ये बोल रही थी कि जो जेन बैंक में डाटा होता है ना वो हमारे पास INSDC में होता है, मतलब इंटरनेशनल सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन इसका नाम है। ये जो डाटा ना इंटीग्रेट होता है थ्री डेटाबेसेस में, जेन बैंक, EMBL और DDBJ में। और ये जो होता है प्राइमरी डेटाबेसेस है, प्राइमरी डेटाबेसेस में आ जाती है। और जो रेफसिक में डाटा होता है ना वो हमारे पास इंटीग्रेट नहीं होता किसी भी, और वो यूनिक डाटा होता है। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा बताएं। जी मैम जो रफ सीक्वेंस होते हैं ना उसमें जो सबमिटर होता है ना वो डाटा एक्सेस नहीं कर सकता, और डाटा जो होता है वो एनोटेटिव होता है। डाटा नहीं एक्सेस कर सकता? नहीं सबमिटर एक्सेस नहीं कर सकता मैम। अच्छा अच्छी जी बताएं। जी मैम और उसके बाद मैम इसमें BNCBI का डाटा बेस होता है जो कि हमें जिन बैंक को डाटा पुट करता है, जेन बैंक को डाटा पुट करता है। रोल नंबर 13। अच्छा बेटा मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ, किसी ने किसी का ना आंसर सुन के उसी को रिपीट नहीं कर लेना, बेशक उसने सारा गलत बताया हो, ठीक है। जो आपने खुद से पढ़ा है ना आप लोगों ने वो बोलना है। चले बेटा माइक म्यूट करें। रोल नंबर 13-14। अस्सलाम वालेकुम मैम। रोल नंबर 13। ओके जेन बैंक है उसके पास एक सीक्वेंस के लिए एक सिर्फ एक रेफरेंस होती है, और जो रैप सीक्वेंस है वो कलेक्ट करता है डेटा फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, मींस कि उसके पास एक से ज्यादा रेफरेंसेस होती हैं। और रैप सीक्वेंस का INCGIS के साथ कोई लिंक नहीं होता, इंटरनेशनल सीक्वेंस डेटा बेस कोलेबोरेशन, और ना ही इसमें कोई रिडंडेंस होती है, मींस कि इसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होती। और जो जेन बैंक है वो INSDC के साथ उसका लिंक होता है, और NCBI ने जेन बैंक को ही देखते हुए रेफ सीक्वेंस खुद बनाया है। नेक्स्ट वन 14। अस्सलाम वालेकुम मैम। रोल नंबर 14। मैम जो NCBI जो जेन बैंक है ना उसमें सबमिटर जो अपना होता है ना वो डाटा सबमिट तो करवा देता है, लेकिन फिर बाद में वो जैसे मिसाल के तौर पे हम तीन लोग हैं ना उन्होंने एक ही सेम सीक्वेंस से काम किया है, तो वो तीनों अपना अलग अलग डाटा जेन बैंक पे सबमिट करवा देंगे, फिर वही सीक्वेंस को ना जो रेफ सीक्वेंस होगा ना उसको एक ही सीक्वेंस लेगा उसमें सबमिट करवा देगा, लेकिन उनका रेफरेंस दे देगा कि इन तीनों ने इस पे काम किया है। तो वो रेफ सीक्वेंस होता है कि जो जो है ना मैम जो NCBI वाले हैं उन्होंने ये रेफ सीक्वेंस को NCBI जेन बैंक को देखते हुए उन्होंने फिर रेफ सीक्वेंस बनाई है। ठीक हो गया। अच्छा टेक्स्ट वन 415। रोल नंबर 15-16। मैम स्टूडेंट्स कह रहे हैं एक बार फिर से देख लें अलाउ करने के लिए। अच्छा बेटा मैंने सबको अलाउ किया हुआ है, मसला ये है कि जिनको मैं अलाउ नहीं कर रही उनका, या अलाउ मैंने किया जिनको उनका नेट शायद थोड़ा पोअर वर्क कर रहा है तो वो आहिस्ता से हो रहा है ना वर्किंग। लेकिन कुछ लोग HTTPS के लिंक के साथ आ रहे हैं, जब
तक वो अपने नेम के आईडी के साथ नहीं आएंगे, मैं उन्हें अलाउ नहीं करूंगी, बेशक वो हमारे क्लास के स्टूडेंट ना हो, क्यों ना हो, ठीक है। एक महीने से आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों ने इतना भी नहीं सीखा है कि आप लोगों का आईडी क्या होना चाहिए। सो नो मोर डिस्कशन, ठीक है, अभी चलें अपने दोबारा काम की तरफ आए। रोल नंबर 15, 16, 17। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बेटा। मैम जो जीन बैंक है ना, इसमें सबमिटर जो होता है उसको जो है अपना जो होता है जो भी उसने सीक्वेंस दिया होता है सिर्फ वही उसको अल्टर कर सकता है, कोई थर्ड पार्टी उसको अल्टर नहीं कर सकती। लेकिन रेफ सीक्वेंस के अंदर जो है सबमिटर जो थर्ड पार्टी होती है वो उसके सीक्वेंस को अल्टर कर सकती है। उसके अलावा मैम ये जो होता है जैन बैंक होता है इसका DDBJ, ENA और NCBI इन तीनों पे इसकी असेस होती है। लेकिन ये जो रेफ सीक्वेंस होता है ये क्यूरेटेड होता है, एनोटेटेड होता है, उसकी असेस जो होती है वो ओपन होती है, इसे कोई भी असेस कर सकता है। सही, चले वेरी गुड। द नेक्स्ट वन मैम, हसन है, 19 रोल नंबर। ओके बेटा बताएं। हसन नहीं बोल रहा मैम, मैं उस्मान बात कर रहा हूँ, 20 रोल नंबर। अच्छा 20 रोल नंबर, चलिए बताएं बेटा फिर। मैम जेन बैंक जो सीक्वेंस होता है मैम बेसिकली वो रिकॉर्ड्स होता है सबमिटर का ओरिजिनल जो डाटा होता है उसका, ठीक है, और कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द थर्ड पार्टी, मतलब के उसे कोई भी थर्ड वन बंदा असेस नहीं कर सकता, ठीक है। और उसके बाद अगर हम जेन बैंक की बात करें तो बेसिकली मैम ये हमारे पास होता है कि PGAP जो एनोटेशन होती है कैन बी रिक्वेस्टेड बाय द सबमिटर ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ द जीनोम टू जेन बैंक, ठीक है। लेकिन जबकि अगर हम रेफसेक की बात करें तो रेफसेक आर नॉट पार्ट ऑफ INSDC बट आर ड्राइव्ड फ्रॉम द INSDC सीक्वेंसेस, मतलब ये कि जो रेफ सीक्वेंस होता है वो INSDC से अफ्लिक्टेड नहीं होता, ये ड्राइव फ्रॉम होती है, ठीक है। और उसके बाद दैट प्रोवाइड नॉन रिटेंडेंट क्यूरेटेड डेटा रिप्रेजेंटिंग आवर करंट नॉलेज ऑफ ऑन नॉन जीन। तो इसमें ये होता है कि रेफसेक के अंदर जितना भी एनोटेटेड डाटा होता है या जितना भी हम लोगों ने जिसके अंदर हम लोग जिनको हम एनालाइज करते हैं या जिनको हम क्या कहते हैं उसे जिनके अंदर हम एनोटेशंस करते हैं, यानी कि हमारे पास जितना भी नॉन रिटेंडेंट क्यूरेटेड डाटा होता है वो हम रेफसेक के अंदर स्टोर करते हैं। लाइक जैसे कि मेरे पिछले फेलो ने बात की थी कि ये सेकेंडरी डाटाबेस होती है, जबकि जो जेन बैंक के अंदर हमारे जितना भी डाटा होता है वो सारा का सारा हमारे पास प्राइमरी डाटा जो डाटा होता है। ओके नेक्स्ट वन नेक्स्ट कोई बताना चाहे बेटा? अच्छा 11 से लेकर 20 डन हो गए, 20 रोल नंबर बेटा बताएं आपका हो गया। उस्मान तारिक प्लीज म्यूट योर माइक। मैंने अभी बोला है, मैंने अभी आंसर किया आपको। चलो ठीक है बेटा, मैं कह रही म्यूट कर ले अपना माइक, अगर कोई और रह गया है तो वो बोले। रोल नंबर 44 हसन रहता है, मैंने उसका माइक नहीं ऑन है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स हो गए हैं 11 से 20 तक, हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट। ओके तो अभी ऐसा है कि जो 21 से 30 तक के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे सिंपल इस बात का आंसर देंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल अलाइनमेंट एंड ग्लोबल अलाइनमेंट। पढ़ी आप लोगों ने? चलें 21 से स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी बेटा बताएं। जी मैम, जो लोकल अलाइनमेंट होती है ना उसमें हम सिर्फ अलाइन कर सकते हैं एक स्मॉल पार्ट सीक्वेंस का ना, उसमें हम शॉर्ट कंजर्व सीक्वेंस को ना हम अलाइन कर सकते हैं। और लोकल अलाइनमेंट में जो यूज होता है प्रोटीन और DNA के सीक्वेंस के लिए, कंप्लीट अलाइनमेंट ना लोकल अलाइनमेंट में हम नहीं कर सकते। और क्या कहते हैं स्मिथ स्मिथ वाटरमैन कैल्ब है, वो लोकल अलाइनमेंट में हम यूज करते हैं। ठीक, और कुछ? और दूसरी तरफ है ग्लोबल अलाइनमेंट, दूसरी तरफ उसमें हम ना अलाइन करते हैं डायरेक्ट सीक्वेंस को, और उसमें
जो ज्यादातर जो ग्लोबल अलाइनमेंट है ना वो होमोलोगस सीक्वेंस, मतलब कि जो सेम मिलता-जुलता सीक्वेंस है ना, जैसे कि ह्यूमन और माउस का सीक्वेंस है, उनके सीक्वेंस को अलाइन करने के लिए हम ग्लोबल अलाइनमेंट यूज करते हैं, और इसमें नीडलमैन वंश एल्गोरिथम ना हम यूज करते हैं ग्लोबल अलाइनमेंट में। चलें ठीक है बेटा, और थैंक यू वेरी मच। 22 एक्सक्यूज मी मैम, मैं बता सकता हूं रोल नंबर क्या है बेटा आपका? 26 मैम, मैं 26 सीनियर हूं, एनरोल करवाया हुआ है मैं। मैंने ना लेक्चर दी बेटा वसीम अब्बास, आप ना 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, और मेरे ख्याल से आप लोग कल मुझे क्विज दे चुके हो। मैंने आपसे कहा था कि जब आप लोगों की टर्न आएगी तब बोलना है, ठीक है? सो म्यूट योर माइक। ये क्वेश्चन सिर्फ 21 से 30 के दरमियान जो रोल नंबर है ना उनके लिए है। सो 22 रोल नंबर प्लीज बोलें। नूर अफसल अच्छा 22 कुछ नहीं बोल रहे, तो 24 आप बताएं। मैम वो कनेक्शन चला गया था, तो आप एक दफा क्वेश्चन रिपीट कर दें। रोल नंबर 22। नो मैम 24। ओके बेटा, मैंने आपसे पूछा है लोकल और ग्लोबल अलाइनमेंट में क्या डिफरेंस है, अगर पढ़ा है तो बताएं। ओके मैम। हां जी, हां जी मैम। मैम लोकल अलाइनमेंट में stretches of sequences with the highest density of matches are isme aligned hote hain, generate one or more islands of matches or sub alignments in line sequences, and in local it is suitable for aligning sequences that are similar along some of their lengths isme theek hai। Okay acha aapne na mic mute kare sab log na pehle, सब लोग अपने माइक म्यूट करें। अच्छा स्टूडेंट्स गौर से जरा एक बात सुने, आप लोगों ने मीटिंग के दौरान जिसका मुझे माइक अन म्यूट जो है वो नजर ना आया, तो उसके ना मैंने ऐसे नंबर काट देने, उसे मैंने कुछ पूछना भी है। वसीम अब्बास आई थिंक आपको सुन रहा है और आपने अपना माइक जो है वो म्यूट नहीं किया हुआ, अनम्यूट है आपका माइक, ठीक है? तो ऐसे जो है डिस्टॉर्शन हो रही है बिल्कुल ना पीछे से, तो स्टूडेंट्स बोल नहीं पा रहे बिल्कुल भी। और दूसरी बात ये है कि बेटा ये जो ना आप लोग अंग्रेजी की लाइनें पढ़ पढ़ के बुक से किस चीज से सुनाई जा रहे हो ना, साफ पता चल रहा है आप लोगों का 0-0 कैलकुलेट होता जा रहा है, ठीक है? ये सब लोग अपना ध्यान रखें थोड़ा सा, जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं। चलें रोल नंबर 22 अगर वो कुछ बताना चाह रहे हैं तो बताएं, नहीं तो 24 के बाद जो रोल नंबर है वो बताएं। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 26 ओके जी मैम, जो लोकल अलाइनमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्व रीजन के लिए हम यूज करते हैं, मतलब कि जब हमें थोड़े से सीक्वेंस के लिए अलाइनमेंट चाहिए तो हम लोकल अलाइनमेंट यूज कर देंगे, और जो ग्लोबल है मैम उसके लिए हम पूरे इंटायर सीक्वेंस को करेंगे स्टार्ट से लेकर एंड तक। दोनों के अपने अपने एल्गोरिथम है मैम, एक का नेल्सन स्मिथ है, दूसरे का वाटरमैन है। और मैम जो ग्लोबल अलाइनमेंट है उसके अंदर गैप्स होंगे, गैप्स इस वजह से होंगे क्योंकि हमने पूरी की पूरी जो हमारी जो लेंथ है ना एक स्ट्रैंड की उसको हमने मैक्सिमम उसकी मैचिंग करवानी होती है ऑप्टिमल अलाइनमेंट के लिए ना, ज्यादा से ज्यादा मैचेस हमें मिले इसलिए हम उसके अंदर गैप ना इंसर्ट करते हैं खुद से। और जो लोकल अलाइनमेंट है उसके अंदर हम गैप इंसर्ट नहीं करते, उसकी वजह ये है क्योंकि हम उसके लिए सिर्फ और सिर्फ छोटे से रीजन के लिए हम अलाइनमेंट करते हैं, इसलिए हमें गैप करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा चलिए ठीक है। ओके द नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम मैम, रोल नंबर 127 रोल नंबर। उसका माइक काम नहीं करा, वो बोलने की कोशिश करी लेकिन आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर ना हम लोग ना एक ना न्यू मीटिंग आईडी जनरेट करते हैं, उसके थ्रू सब लोग दोबारा से लिंक करेंगे, ठीक है? ये 30 मिनट की रिकॉर्डिंग है, इससे ज्यादा ना मुश्किल हो रहा है कि मैं अगर यूट्यूब पे इसको अपलोड करूंगी, ठीक है? तो 30 मिनट्स तक का जो लिमिट होती है ना मेरे लिए थोड़ा ईजी है उस वीडियो को अपलोड करना, अगर वो 40-50 मिनट की हो रही है तो वो बहुत टाइम हो जाती है, ठीक है? तो अभी हम इसको क्विट करते हैं, मैं आप लोगों को न्यू आईडी जो है वो देती हूँ, आप लोगों ने फोरन क्लास में दोबारा आना है अभी,
ओके मैम। मैम आई डोंट नो समहाउ, लेकिन आप सेम आईडी भी यूज कर सकती हैं। चलो ठीक है, सेम यूज करके देखती हूँ, मैं देखती हूँ अगर सेम भी हो जाए तो।